नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी। ये कोर्स है 1% बेटर, जिसमें कि हम पढ़ेंगे हर दिन एक नया टॉपिक, जनरल प्रैक्टिस से रिलेटेड, क्रिटिकल केयर से रिलेटेड, इवन ऑब्स गायनी से या पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड। पर ऐसे टॉपिक जो हर डॉक्टर को काम आए, जो जो थर्ड ईयर मेडिसिन वाले को भी काम आए और MBBS थर्ड ईयर को भी काम आ जाए या आयुष के थर्ड ईयर को भी काम आ जाए। ऐसी चीज़ें जो कॉमन है, जो सबको आनी चाहिए, हर डॉक्टर को आनी चाहिए, इस तरह का कुछ पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। अब आज का टॉपिक है अपना IV फ्लूइड इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट में मैं आपको IV फ्लूइड्स की सिर्फ कुछ बातें बताऊंगा जो अपने को ध्यान रखनी है। IV फ्लूइड बहुत लंबा टॉपिक है, मेरे 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं, एक अच्छा यूट्यूब पे भी है, आप सुनना। पर यहाँ अपन कोशिश करेंगे 10 मिनट में कुछ 4-5 चीज़ें जानने की कि IV फ्लूइड में क्या मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है। शुरू करते हैं। तो IV फ्लूइड देने की ज़रूरत हमको अलग अलग स्थितियों में पड़ती है, अलग अलग कंडीशंस में पड़ती है। रिससिटेशन के लिए देते हैं, यानी कि जब पेशेंट का फ्लूइड इतना कम हो गया है कि उसके कारण पेशेंट क्रैश हो रहा है, उसका BP फॉल हो रहा है, हाइपोटेंशन में जा रहा है। और अदरवाइज यदि किसी को फ्लूइड लॉस है किसी भी तरह का, डिहाइड्रेशन से, ब्लड लॉस से, तो रिप्लेसमेंट फ्लूइड, रिससिटेशन फ्लूइड और मेंटेनेंस फ्लूइड। मतलब जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट ऑप व्यक्ति है या प्री ऑप व्यक्ति है, उसको आपने कुछ ओरल नहीं दे रहे हैं, तो उतने समय के लिए मेंटेन करने का फ्लूइड। तो IV फ्लूइड 3 स्थितियों में दिए जाते हैं, या तो मेंटेनेंस के लिए, या लॉसेस को रिप्लेस करने के लिए, या लॉसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हो और पेशेंट क्रिटिकल हो रहा हो तो रिससिटेट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। ये सारे रीजन्स हैं IV फ्लूइड देने के। IV फ्लूइड कौन कौन से तरह के होते हैं? IV फ्लूइड दे सकते हैं हम क्रिस्टलॉइड्स, कोलॉइड्स और ब्लड प्रोडक्ट्स। क्रिस्टलॉइड का मतलब होता है सॉल्ट सॉल्यूशंस, जिसमें नमक जैसी चीज़ें पानी में घोल दी जाती हैं। जैसे नॉर्मल सनाइन, रिंगर, लैक्टेट, आमतौर पे आप जितने IV फ्लूइड देखते हैं वो सब क्रिस्टलॉइड्स हैं। कोलॉइड्स थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। तो क्रिस्टलॉइड मतलब वो जो नमक के पानी है या शक्कर के पानी, मतलब पानी में आपने कोई चीज़ घोल रखी है, दैट इज क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशंस हैं। कोलॉइड्स आर समथिंग विच डू नॉट डिजॉल्व एग्जैक्टली, जिनके कि बड़े बड़े मॉलिक्यूलर वेट के पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड हैं। कोलॉइड्स कब काम आते हैं? कि जब आपको इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम बढ़ाना हो। जैसे मान लीजिए पेशेंट बहुत सारा ब्लीड कर गया है और उसका BP फॉल हो रहा है, और ऐसे में आपको कोई ऐसा फ्लूइड देना है जिसको आप IV में दें और वो अंदर जाके इंट्रावास्कुलर स्पेस में रुक जाए, बाहर ना निकले, सिर्फ ब्लड वेसल्स में रहे, तो उसके कारण BP मेंटेन हो जाए। ऐसे फ्लूइड्स कोलॉइड हैं। कोलॉइड आर्टिफिशियल होते हैं, जैसे जिलेटिन्स या स्टार्चेस या डेक्सट्रांस, और नेचुरल कोलॉइड में हम देते हैं एल्बुमिन, या हम जो FFP देते हैं वो भी प्रैक्टिकली कोलॉइड ही है, पर FFP को हम गिनते हैं ब्लड प्रोडक्ट्स में। तो तीसरा टाइप हो गया ब्लड प्रोडक्ट्स। ब्लड प्रोडक्ट्स यानी जैसे प्लेटलेट्स हो गई, प्लाज्मा हो गया, पैक्ड सेल्स हो गए, FFP हो गया और क्रायोप्रेसिपिटेट हो गया, इस तरह की चीज़ें, ये सब ब्लड प्रोडक्ट्स में आती है। तो तीन तरह के IV फ्लूइड्स हम दे सकते हैं। काम की बातें, बिल्कुल काम की बातें करेंगे इस कोर्स में, ज़रा भी थ्योरी में नहीं जाएंगे। कौन सा IV फ्लूइड देना चाहिए, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, कि हमें देखना है कि फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी क्या है और उसका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्या है। ऑस्मोलैरिटी मतलब क्या होता है? कि जो भी हमारा ब्लड है, प्लाज्मा है, इन सब की एक ऑस्मोलैरिटी होती है। मतलब इनका एक तरह से हम हिंदी में कहें तो घनत्व कैसा है, या यदि हम समझाएं तो वो कितनी गाढ़ी है या कितनी पतली है, दैट इज़ दी ऑस्मोलैरिटी। कि इफ़ इट इज़ थिक और थिन, इफ़ समथिंग हैज़ वेरी हाई ऑस्मोलैरिटी देन इट इज़ वेरी थिक, इफ़ समथिंग हैज़ वेरी लो ऑस्मोलैरिटी इट इज़ वेरी थिन। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ, वी आर नॉट गोइंग इनटू दी थियोरेटिकल पार्ट। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कितना है उस IV फ्लूइड का। जैसे कि कोई IV फ्लूइड है जिसमें सोडियम 154 हो सकता है, किसी में 140 हो सकता है, किसी में 125 हो सकता है। तो IV फ्लूइड देने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए, कि उसकी ऑस्मोलैरिटी कैसी है और उसका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कैसा है। और कोई भी IV फ्लूइड वो काम का है जो प्लाज्मा से सबसे ज़्यादा मैच करता हो। अपन प्लाज्मा को गोल्ड स्टैंडर्ड मानेंगे, कि प्लाज्मा में 140 सोडियम होता है और 98 क्लोराइड होता है और 4 का पोटेशियम होता है। जो भी कोई IV फ्लूइड प्लाज्मा से सबसे ज़्यादा क्लोज होगा, दैट विल बी दी बेस्ट IV फ्लूइड। तो कौन सा IV फ्लूइड देना है, ऑस्मोलैरिटी देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन देखेंगे और जितना क्लोज टू प्लाज्मा पॉसिबल है वो देंगे। तो सबसे कॉमन IV फ्लूइड जो होता था हमेशा, वो नॉर्मल सलाइन होता था।
लेकिन अगर आपको किसी पेशेंट को 1 या 2 लीटर फ्लूइड देना है, जैसे आपको बस रात भर के लिए फ्लूइड लगाए रखना है या पेशेंट NBM है 2-4-6 घंटे के लिए आपको फ्लूइड देना है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा IV फ्लूइड दे रहे हैं। आप उसे रिंगर दे दें, आप उसे नॉर्मल सलाइन दे दें, आप उसे कुछ भी दे दें, इट डजेंट मैटर इन एन एडल्ट हेल्दी पेशेंट या इन एन एडल्ट सिक पेशेंट, इट डजेंट मैटर इफ इट इज 1 लीटर और 2 लीटर ऑफ IV फ्लूइड्स। यू कैन गिव रिंगर, यू कैन गिव नॉर्मल सलाइन, यू कैन गिव प्लाज्मा लाइट, यू कैन गिव एनीथिंग। But if you have to give fluid for more than one day, if you have to give fluid for like 5-6 liters, 10 liters, then the choice of fluid becomes very important. कि आपका patient critical है, serious है, ICU में पड़ा हुआ है, उसको 3-4 दिन fluid चल रहे हैं, हर 2-3 घंटे में bottles replace हो रही हैं, 100 ml/h पे fluid जा रहा है, दिन भर की 8-10 bottles लग रही हैं, तब बहुत important है कि आप क्या fluid choose कर रहे हैं। सबसे कॉमन जो फ्लूइड होता था वो नॉर्मल सलाइन होता था, लेकिन नॉर्मल सलाइन में सिर्फ नाम नॉर्मल है, बाकी सब एबनॉर्मल है। नॉर्मल सलाइन को नॉर्मल सलाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 0.9% NS होता है, जो कि नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, नॉट इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। तो नॉर्मल सलाइन इज अ बैड फ्लूइड टू गिव। फिर कह रहा हूं 1-2 लीटर देना है किसी को, दिन भर के लिए देना है 50 ml/h पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यदि लगातार फ्लूइड पे फ्लूइड देने हैं तो NS और DNS दोनों बहुत बुरे फ्लूइड्स हैं, दे शुड बी अवॉइडेड। किस किस केस में नहीं दे सकते नॉर्मल सलाइन? अगर पेशेंट को जरा भी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो ऐसे में नॉर्मल सलाइन देना अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सलाइन खुद भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है, हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस कहते हैं उसको। मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा, बस ये याद रखें कि अगर किसी पेशेंट को एसिडोसिस है तो उसे नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में खुद भी एसिडोसिस कॉज करता है। दूसरे, अगर किसी पेशेंट का रीनल फंक्शन वीक है, किसी का किडनी फंक्शन पुअर है, तो नॉर्मल सलाइन, स्पेशली यदि आपने लार्ज क्वांटिटीज में दिया, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। पुअर रीनल फंक्शन वाले लोग उस क्लोराइड को उतनी आसानी से निकाल नहीं पाते, एसिडोसिस भी बढ़ता है और किडनी को वो और वीक करता है। अल्टीमेटली नॉर्मल सलाइन शुड नॉट बी गिवन इन पुअर रीनल फंक्शन पेशेंट्स, दे कैन नॉट एक्सक्रीट द क्लोराइड दैट कंफर्टेबली, ठीक है। और तीसरे, जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, जिनको सेप्सिस में है या शॉक में है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स को नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए, नहीं दिया जा सकता। और आगे बढ़ते हैं, तो नॉर्मल सलाइन हम दे कहां सकते हैं? नॉर्मल सलाइन देने के भी कुछ इंडिकेशंस तो हैं जिनमें दिया जा सकता है। जैसे पेशेंट को यदि हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, यानी उसका सोडियम कम है, तो ऐसे में फ्लूइड ऑफ चॉइस नॉर्मल सलाइन हो सकता है, इवन हाइपरटोनिक सलाइन भी दिया जाता है। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग है, क्लोराइड लॉस हो रहा है, तो ऐसे में उसे नॉर्मल सलाइन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके स्टमक में HCl होता है, खूब सारी उल्टी होती है, उस HCl के साथ Cl निकल जाता है, तब आप यदि हाई क्लोराइड वाला कोई फ्लूइड देते हो तो काम का है। तो यदि ऊपर से फ्लूइड लॉस हो रहा है तो नॉर्मल सलाइन देंगे, लेकिन अगर डायरिया हो रहा है, नीचे के रास्ते से फ्लूइड लॉस है, तो रिंगर लैक्टेट बेटर है। फिर अगर पेशेंट को ब्रेन इडीमा है या स्पेशली ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, ऐसे पेशेंट में नॉर्मल सलाइन थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि वो थोड़ा सा हाइपरटोनिक है, उसकी ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से थोड़ी सी ज्यादा है। तो उससे फायदा क्या होता है कि अगर ब्रेन में इडीमा है तो वो उसको पानी को खींच के उस इडीमा को थोड़ा सा श्रिंक करता है, ऐसे में हाइपोटोनिक फ्लूइड्स देना रिस्की होता है। तो तीन जगहों पे हम दे सकते हैं, हाइपोनेट्रेमिक पेशेंट्स में, वॉमिटिंग वाले पेशेंट्स में, या ब्रेन इडीमा वाले पेशेंट्स में, स्पेशली ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले में। दूसरा जो फ्लूइड होता है कॉमन, वो रिंगर लैक्टेट है। रिंगर लैक्टेट इज मच बेटर देन नॉर्मल सलाइन। यदि आप मुझसे कहेंगे कि सबसे कॉमनली कौन सा फ्लूइड देना चाहिए, तो मैं कहूंगा रिंगर लैक्टेट। दिया जाता है नॉर्मल सलाइन, लेकिन देना चाहिए रिंगर लैक्टेट मोस्ट कॉमनली। रिंगर लैक्टेट को हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस में दे सकते हैं। अब ICU वाले मुझसे पूछने आएंगे कि भैया उसमें तो खूब सारा लैक्टेट होता है, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कैसे दे रहे हो आप? रिंगर लैक्टेट में जो लैक्टेट होता है वो सोडियम लैक्टेट है, वो लैक्टिक एसिड नहीं है, और वो सोडियम लैक्टेट एनर्जी का सबस्ट्रेट है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम आता है। अगर लिवर फंक्शन जरा भी ठीक है तो वो जो लैक्टेट है वो कभी भी एसिडोसिस कॉज नहीं करेगा, इट विल बी एक्चुअली हेल्पफुल, इट इज अ बफर। दूसरी बात, अगर आप किसी को रिंगर लैक्टेट दोगे तो उसका सीरम लैक्टेट बढ़ेगा, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो पेशेंट लैक्टिक एसिडोसिस में जा रहा है, दोनों अलग अलग चीजें। लैक्टेट बढ़ जाएगा क्योंकि आप सोडियम लैक्टेट दे रहे हो उसको, लेकिन दैट इज नॉट लैक्टिक एसिडोसिस। सेकेंडली, रिंगर लैक्टेट लैक्टिक एसिडोसिस कॉज नहीं करता, ये तो बात हो गई हमारी। और
हाइपरकेलीमिया में भी हम रिंगर्स लैक्टेट दे सकते हैं। अब फिर आईसीयू वाले मुझसे लड़ने आएंगे कि सर रिंगर लैक्टेट में तो 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का पोटेशियम होता है, आप इसको हाइपरकेलीमिया वाले को कैसे दिलवा रहे हो। तो चलो मान लेते हैं एक पेशेंट है जिसका पोटेशियम 5 है, अब आप कहोगे उसको रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं दे सकते। एक बात बताओ, जिसका पोटेशियम 5 है, 5 मतलब 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, उसको मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूं जिसमें 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो वो सॉल्यूशन जाके उसके पोटेशियम को डाइल्यूट कर रहा है कि बढ़ा रहा है? डाइल्यूट कर रहा है भाई। दूसरी बात, पोटेशियम का मेटाबॉलिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल नहीं है कि 4 मिली इक्विवेलेंट का पोटेशियम दिया तो बढ़ जाएगा। अगर आपको किसी का पोटेशियम वाकई बढ़ाना है आईवी फ्लूइड देके, तो उस आईवी फ्लूइड में कम से कम 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का पोटेशियम होना चाहिए, जैसा कोई आईवी फ्लूइड नहीं है, केसीएल का एम्प्यूल छोड़ दो, पर नॉर्मल आईवी फ्लूइड्स में से कोई ऐसा नहीं है जिसमें 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का पोटेशियम हो। तो हाइपरकेलीमिया के पेशेंट को भी आप दे सकते हो, उससे नुकसान नहीं होगा, उससे हाइपरकेलीमिया नहीं बढ़ेगा, यकीन मानो, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, फिर रिंगर लैक्टेट कहां नहीं दे सकते? रिंगर लैक्टेट 99% जगह दिया जा सकता है, कहां नहीं देना है वो बताता हूं, 2 या 3 जगहें खाली। एक तो पेशेंट को ट्रॉमेटिक ब्रेन इडिमा हो गया हो, अगर मतलब ब्रेन इंजरी हुई हो, हेड इंजरी हुई हो और ब्रेन में स्वेलिंग लग रही हो, ऐसे पेशेंट को रिंगर नहीं देना है, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, वो और जाके उस इडिमा को बढ़ाएगा, स्वेलिंग को इनक्रीज करेगा। दूसरा, रिंगर लैक्टेट लिवर डिसफंक्शन के पेशेंट को नहीं देना है, अगर किसी का लिवर फंक्शन बहुत वीक है ऐसे में रिंगर लैक्टेट इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। तीसरी चीज, रिंगर लैक्टेट में कैल्शियम होता है, तो अगर किसी को ब्लड चल रहा है तो उसको साथ में रिंगर लैक्टेट नहीं देना है, चिलेशन की प्रॉब्लम्स होती है, देना ही है तो सिंगल लाइन से कम से कम ना दें, ऐसा नहीं हो कि एक ही लाइन में ट्राईवे से ब्लड भी जा रहा है और रिंगर भी जा रहा है, तो रिंगर लैक्टेट 3 जगह पे नहीं देना है। आइडियल फ्लूइड जो है वो सबसे महंगा है, इसको बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन कहते हैं, मार्केट में प्लाज्मा लाइट और काबी लाइट के नाम से बिकता है, एक बैक्स्टर का है और एक फ्रिजनेस काबी का है। अगर आप पहले नंबर पे देखें तो प्लाज्मा है और आखिरी नंबर पे देखें तो ये बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन है, पर इन दोनों में एब्सोल्युटली एक जैसे नंबर्स चल रहे हैं, 140 इसका है, 140 उसका है, 98 इधर है, 94-111 इधर है, 4.5-5.5 इधर, एग्जैक्टली 5। ये परफेक्ट सॉल्यूशंस हैं, हर जगह दिए जा सकते हैं, पर इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इनकी कॉस्ट 300-400 रुपये पर बॉटल की पड़ती है हमारे यहाँ। तो अगर दे सकते हो, आपका पेशेंट अफोर्ड कर सकता हो, उसका पैकेज अच्छा हो, वो इंश्योरेंस में है, तो प्रिफरेबली प्लाज्मा लाइट काबी लाइट बेस्ट फ्लूइड्स हैं, चाहे आपको मेंटेनेंस करना है, चाहे आपको रिससिटेशन करना है, चाहे आपको कुछ भी करना है, बेस्ट आईवी फ्लूइड्स आर बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशंस या प्लाज्मा लाइट काबी लाइट, बिकॉज दे आर क्लोजेस्ट टू द प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट, बट दे आर वेरी कॉस्टली, सो नॉट ऑल पेशेंट्स कैन अफोर्ड देम। इफ दे कैन देन गिव प्लाज्मा लाइट और काबी लाइट, if they cannot afford it then your second choice should be ringer lactate except for the contraindication। to last slide mein hum bas jaldi jaldi ye padhenge ki kis kis scenario mein kaun sa iv fluid dena chahiye ya nahi dena chahiye। agar kisi patient ko dehydration hai, especially diarrhea vomiting hai, kisi bhi tarah ka dehydration hai, to best fluid iv fluid nahi hai, clear water hai, aur wo clear water aapko dena chahiye ya to orally ya Ryle's tube se। अगर किसी पेशेंट को पुअर न्यूट्रिशन है तो ये मत सोचो कि उसको अपन एक D5 की बोतल लगा देंगे तो उससे उसकी कैलोरी चली जाएंगी, कोई कैलोरी नहीं जाती D5 की बोतल में, इतनी कम जाती है कि उससे कोई भला नहीं होता। अगर किसी को पुअर न्यूट्रिशन है तो या तो Ryle's ट्यूब डालो या ओरली दो और उसमें कुछ हाई प्रोटीन का खाना दो, अदरवाइज TPN दो। लेकिन आईवी फ्लूइड में अगर आप सोच रहे हो कि कोई DNS देके या D5 देके आपने पेशेंट को बहुत कैलोरीज दे दी और उसका भरा कर दिया, वो नहीं है। आईसीयू कोर्स में कभी पढ़ाऊंगा मैं कि न्यूट्रिशन इन आईसीयू कितना इंपॉर्टेंट है और हम न्यूट्रिशन नहीं देके कई बार पेशेंट को कैसा बिगाड़ देते हैं। तीसरी बात, अगर किसी पेशेंट को डायरिया है तो रिंगर लैक्टेट देंगे, वॉमिटिंग है तो नॉर्मल सलाइन देंगे, दोनों है पता नहीं क्या करेंगे, देखेंगे जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से देंगे। अगर किसी को ब्लड लॉस है, खूब सारा ब्लड लॉस है, ट्रॉमा का पेशेंट आया, 2 लीटर ब्लड लूज कर चुका है, तब आपकी फर्स्ट चॉइस ब्लड प्रोडक्ट्स होना चाहिए। अगर ब्लड प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ऐसा नहीं होता कि पेशेंट आया और ओ निगेटिव की 10 बॉटलें मिल गई, तब पहली चॉइस ब्लड नहीं है तो क्रिस्टलॉइड लगाओ। क्रिस्टलॉइड में क्या लगाओ, रिंगर लैक्टेट लगा सकते हो, प्लाज्मा लाइट लगा सकते हो। क्रिस्टलॉइड जब देना है तो ब्लड लॉस का 3 गुना देना है, अगर आपको लगता है कि 1 लीटर ब्लड का लॉस है तो आपको उसे
3 लीटर क्रिस्टलॉइड देना पड़ेगा, 3:1। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलॉइड जब अंदर जाता है तो उसका केवल 1/3 अंदर इंट्रावास्कुलर स्पेस में टिकता है, बाकी का सारा एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में चला जाता है। तो ब्लड लॉस में आपको क्रिस्टलॉइड देना है, वो भी 3:1 के रेशो में देना है। अगर किसी पेशेंट को ब्लड लॉस है और साथ में हाइपोटेंशन है, ब्लड अवेलेबल नहीं है, बीपी फॉल हो रहा है, तो ऐसे में सबसे अच्छी चीज़ कोलॉइड देना है। कुछ भी आपका वॉल्यूलाइट या इस तरह की कोई चीज़ लगाएंगे, वॉल्यूवेन, वॉल्यूलाइट या आपके यहाँ जो भी मिलता हो, जिलेटिनम एक्सेल, वो चीज़ लगा के बीपी मेंटेन करना है जब तक कि ब्लड रेंज ना हो जाए। तो अगर हाइपोटेंशन है और नहीं मैनेज हो रहा है क्रिस्टलॉइड से, तो कोलॉइड इज अ बेटर चॉइस। लास्टली, जो रीनल पेशेंट्स हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उन सब में कोशिश करो कि फर्स्ट चॉइस बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन की हो, स्पेशली इफ द पेशेंट और द हॉस्पिटल कैन अफोर्ड इट, प्लाज्मा लाइट, काबिलाइट जैसी कोई चीज़ हो। अगर नहीं दे सकते हो तो रिंगर लैक्टेट दो। कंट्राइंडिकेशंस बताएं, इंडिकेशंस बताए हैं, मैंने कोशिश की है कि 10-12 मिनट में इसको आईवी फ्लूइड्स को पूरा कवर कर सकूं। पहला लेक्चर है, लाइव है, इसलिए थोड़ा सा बियॉन्ड लिमिट्स जा रहा है। कोशिश करेंगे कि और कंसाइज करें टॉपिक्स को। कैसा लगा ये ग्रुप में फीडबैक डालिएगा। थैंक यू।